नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेखा बूटी के चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो हमारे घर में जो छोटे छोटे टुकड़े बचे होते हैं कपड़े के, तो हम उसे फेंक देते हैं फ्रेंड्स। अगर हमने उसी कपड़े का इस्तेमाल लटकन बनाने के लिए किया तो बहुत ही प्यारे और सुंदर घर में ही लटकन बना सकते दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, वीडियो लास्ट तक देखें, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, लाइक करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। दो कलर के कपड़े को काट लिया है 6 इंच में, देख सकते हैं आप 6 इंच और ये 6 इंच, 6 इंच चौड़ा 6 इंच लंबा कपड़ा मैंने काट लिया है और ये है हमारा 3 इंच चौड़ाई और 3 इंच लंबाई, ठीक है। दोनों मैंने टुकड़े काट लिए हैं। अब इसे हम राउंड शेप में काट लेंगे, इस तरह से फोल्ड करके। अब हम इसे, मैं आपको बताऊंगी हम किस तरह से लगाएंगे। बिल्कुल सेंटर में यहां से हम इसे लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से आप स्टिच कर दीजिए। आप मशीन से भी कर सकते हैं या आप हाथों से भी बना कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब मैं इसे लगाऊंगी ये ग्रीन कलर का इस तरह से। बहुत ही आसानी से लगाएंगे हम इसे इस तरह से। यहां से करूंगी इसे स्टिच। एक्स्ट्रा कपड़ा हम इसे काट लेंगे। अब इसे हम करेंगे पल्ली। देख सकते कितना सुंदर और प्यारा हमारा लटकन रेडी है। अगर आप इसे डेकोरेट करना चाहते हैं फ्रेंड्स तो इस तरह से आप डेकोरेट कर सकते हैं। अगर इसे कोई आप इस तरह से डॉट काटना चाहते हैं तो इसे कटाई कर सकते हैं, या फिर इसे लेस लगाना चाहे लेस लगा सकते हैं, या अगर कोई धागे से आप इसे पिको करना चाहे तो बहुत ही सुंदर और प्यारा लटकन रेडी हो सकता है फ्रेंड। देख सकते हैं आप, बिल्कुल फूल की तरह लग रहा है हमारा लटकन, देख सकते हैं आप। तो इस तरह से आप लटकन घर में जरूर बनाएं और अपने बचे हुए कपड़ों का आप इस्तेमाल अच्छे लटकन बनाने के लिए आप कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।